स्टॉप ओवर करना, फ्रेश होना है, वॉशरूम जाना है. सो दिस इज द प्लेस अस्तकनाला, वेरी फेमस. गांव बड़ा प्यारा है, राइट साइड पे बहुत प्यारा गांव है. बस रुकने को दिल नहीं कर रहा, आगे ब्लॉक है तो जाना है, वरना बड़े अच्छे नज़ारे कैच कर सकता था मैं. वैसे ये जो एरियाज हैं, ये जो अर्थ साइंसेस या जियोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं या इंटरेस्टेड लोग हैं इस सब्जेक्ट में, उनके लिए बहुत इंटरेस्टिंग है. अब ये सामने के जो छोटे छोटे टेले नज़र आ रहे हैं, ये रेत से हैं, पानी वाला रेत है. आप इमेजिन करें कि यहाँ दरिया है इतना नीचे, और यह पानी के टेले कहाँ से आ गए, ये रेत के ना, जो रेत है पानी के अंडर में होती है. तो इट शोज कि ये पहले अंडर वाटर थे. और ये सारे देखें, ये लगते हैं कि कोई ग्लेशियर जो है ना यहाँ पे ऐसे चेंज हो गए मिट्टी के पहाड़ों में या पहाड़ियों में या टेलों में. तो बहुत इंटरेस्टिंग है जियोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए ये रीजन्स. यार इधर रोंदो सिटी में हम आ गए हैं, लेकिन ब्लॉक से अभी हम 20 मिनट पीछे हैं. लेकिन यहाँ कोई लेबर डे के हवाले से कोई प्रोटेस्ट चल रहा है या पता नहीं क्या चल रहा है, तो रोड बंद है. तो देखते हैं कितनी देर बंद है. मैं तो सोच रहा हूँ इनको वापस भेज दूँ यहाँ से, मैं टैक्सी करके आगे चला जाऊँ. ये लेबर डे के हवाले से जलसा हो रहा है लेबर्स का. यार मैं तो इस प्रोटेस्ट के दौरान टैक्सी ढूँढ रहा हूँ ताकि मुझे ब्लॉक तक छोड़ दे और मैं सरोज और आमिर को वापस भेज सकूं. लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई टैक्सी है भी नहीं, तो देखते हैं क्या होता है. और वो खुशहाली इन मजदूरों के दम से है. पैसे जो है दे देते हैं, रगड़े खाते खिलाते हुए रखते हैं. यार बस स्टक हो गए, तो आधा घंटा बोल रहे हैं, कोई 20 मिनट बोल रहा है, कोई 10 मिनट बोल रहा है, तो हम इस तरह यहाँ पर स्टक हो गए. तो मैं इनको वापस भेजता हूँ, फिर चलते हैं उसके बाद. मजदूर डे के हवाले से मजदूर फेडरेशन या यूनियन के चेयरमैन साहब मुतालबा कर रहे हैं कि आज जो मजदूर एबसेंट हुए हैं ड्यू टू लेबर डे, उनकी हाजिरी लगी जाए. तो पिछले एक घंटे से रोड बंद है, उनका मुतालबा ये है, अटेंडेंस लगाने का मुतालबा है. तो इनका सबसे बड़ा मुतालबा यही था कि आज के दिन अटेंडेंस लगाई जाए. यार फाइनली एहतजाज ख़त्म हो गया, तो थैंक्स टू अल्लाह स्पीचे की कोई इफेक्ट नहीं हुआ गवर्नमेंट मेरे ख्याल से अमेरिका तक. तो प्रोटेस्ट ख़त्म हो गया, बहुत ज़ोरदार स्पीचे हो गई, ज़बरदस्त किस्म की. मेरे ख्याल से गवर्नमेंट जी भी, गवर्नमेंट तो हिल गई और प्राइम मिनिस्टर भी हिल गए होंगे अपनी कुर्सी पे. तो कितने अफसोस की बात है यार, एक हाईवे को जो है ना 4-5 लोग जमा होते हैं और बंद करते हैं यार. एडमिनिस्ट्रेशन कोई नहीं पूछता पाकिस्तान में, तो बस एक अंधेर नगरी है. क्या करें हम जिस मुल्क में रह रहे हैं, 4 लोग जमा करो और रास्ता बंद कर दो. चलो जी फाइनली हम लोग निकल गए, खुदा का शुक्र है. बस यहाँ से 15-20 मिनट का रास्ता है, उसके बाद मैं आगे चला जाऊँगा. हम उस पॉइंट के करीब आ गए हैं, तो जहाँ पे रोड बंद था, ये देख सकते हैं आप कितनी ट्रांसपोर्ट खड़ी है. पीछे भी काफ़ी ज़्यादा थी जो मैं कैप्चर करना भूल गया. बस ये लास्ट विलेज है, इससे आगे बस ब्लॉक है. ओके अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़. ये लोग यहाँ से जाएंगे बस, और ये स्टॉप है, यहाँ से मैं आगे जाऊँगा. ओके बस एहतियात साथ बजो, शो आ छूत बजो नो. खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़. ये सारे लोग पैदल का रास्ता खुला है तो भाग रहे. ये देखें सारा, तो आगे जा रहे हम लोग. सच्ची बात यार, डर बड़ा लगता है, सर पे बड़े बड़े पहाड़ लटके हुए. तो अभी देखते हैं क्रॉसिंग कैसे होती है. सिचुएशन है गाइस रास्ते की, और ये नहीं लगता कि 2-3 दिन तक खुलेगा ये.
मैंने पिछली वीडियो में बोला था जितने इलाके खूबसूरत हैं उतने ही हार्श भी हैं कंडीशन यहाँ की। ये कंडीशन है जी, बुरा हाल है। ये देखिए पीछे रोड की हालत, ये बेचारे बुजुर्ग को लेके जा रहे हैं, थोड़ा माफ करें। यार थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर स्टक हियर। ये कंडीशन है भाई, बड़ी खतरनाक कंडीशन है यार, कंडीशन बड़ी ही। ये हम क्रॉस करने लगे, चलो चलो यार, चलो 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 चलो, टाइम नहीं है, चलो आप ऊपर क्या देख रहे हो। यार मुझे नहीं लगता ये मलबा कोई 3-4 दिनों में हटने वाला है, तो ये देखिए। यार फाइनली ब्लॉक को क्रॉस किया है, और आई डोंट थिंक सो यहाँ पे कोई ज़्यादा बुज़ुर्गों को और ज़्यादा लेडीज़ और फैमिलीज़ वाले लोगों को आना चाहिए इस वक्त क्रॉस करने के लिए। तो थैंक्स गॉड, मैं सुबह अपने मेहमानों को बुला रहा था, उनको कैंसिल किया मैंने। जगह है, आ जाओ। ये मैंने टैक्सी हायर की है स्कर्दो सिटी तक, तो इसके साथ बीच में बार्गेन करते हैं। चलो चलो चलो, बहुत जगह है, चलो। तो ये चाचा जी के साथ हम लोग रवाना हो गए हैं। क्या नाम है चाचा आपका? मेहदी अली भाई के साथ। तो मेरा सैयद फहमीद कामिल, गिलगित का हूँ मैं, हुसैनी सैयद हूँ। तो मेहदी भाई मुझे लेके जाएंगे स्कर्दो सिटी तक, और अगर मुझे अच्छी बुकिंग देते हैं तो फिर मैं इनको शिगर तक लेके जाऊँगा। क्या ख्याल है? स्कर्दो के पहाड़ भी सेम हमजा के पहाड़ की तरह बड़े बड़े, लेकिन इसकी वजह यह है कि ये सेम माउंटेन रेंजेस है कराकुरुम ना, कराकुरुम के माउंटेन बड़े डेडली और जाइगेंटिक होते हैं, और मुझे ख़ास कर पसंद है इनके जो डिज़ाइन है। वाह यार, कुदरत की शान देखें, क्या बनाया जी। तो स्कर्दो पहुंच गया, और इंशाल्लाह सरूश और आमिर भी गिलगित की तरफ आराम से जा रहे होंगे। तो अभी स्कर्दो सिटी के जितने में हो सके एक दो नज़ारे दिखाता हूँ, देन आई विल क्लोज द अपना वीडियो, और फिर मैंने शिगर फोर्ट जाना है। शिगर फोर्ट के अंदर आप लोगों को कुछ और अच्छी चीज़ें दिखाता हूँ, शिगर फोर्ट की हिस्ट्री बताऊँगा, कुछ अच्छी गपशप क्या करेंगे वहाँ पर। सिटी आ गए हम लोग, सिटी है ना ये? नहीं सर, अभी गंबा, गंबा में सिटी के करीब। ये जी कोल्ड डेजर्ट स्कर्दो, ये दुनिया में कहीं नहीं होगा कि आप बर्फीले पहाड़ भी देख रहे हैं और नीचे दरिया भी है और ऊपर सहरा भी है। क्या बात है जी, क्या बात, क्या व्यू है जी, देखें जी। शिगर वेरी की तरफ, वैली की तरफ टर्न हो गए हैं लेफ्ट, आप स्कर्दो बाजार खबुलू की तरफ आगे आ जाए तो लेफ्ट साइड पे आपको टर्न लेना होता है। तो ये नज़ारे देखिए जी, यहाँ पे वो उड़ने वाले
ग्लाइडिंग। ये जी हम लोग आ गए हैं ये कोल डेजर्ट के पास, और क्या व्यू है यार, थोड़ा सी थोड़ी सी रेत उड़ रही है, बाकी तो अमेजिंग अमेजिंग। के अंदर से करदो जो है ना मोस्ट हॉट स्पॉट है टूरिज्म के लिए, क्योंकि जहाज़ चलने लग गए कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, फैसलाबाद, तो यहाँ पे बहुत टूरिस्ट आता है पूरे पाकिस्तान और इंटरनेशनली, तो बहुत कुछ करने को भी है, काफ़ी बड़ा एरिया है करदो। तो लेकिन एक चीज़ का आपने जहन में रखना है कि कोई दो दिन में आप करदो को ख़त्म नहीं कर सकते, आपके लिए आप कम से कम एक वीक लेके आए अपने साथ, रिजर्व रखें अपनी ज़िंदगी में से, फिर जो है ना एक वीक के अंदर आप काफ़ी कुछ देख लेंगे इस करदो में। यार सीरियसली मतलब लगता है कि आप किसी और प्लेनेट पे, इस तरह की फील दे रहा है इस करदो इस वक्त, क्योंकि शाम हो रही है और ये देखें जी क्या फील दे रहा है, अमेजिंग व्यूज़ यार, अमेजिंग व्यूज़, लिटरली अमेजिंग व्यूज़। सो वी आर एंटरिंग शिगर, तो शिगर जब जब मैं करदो आया हूँ, करदो ने मुझे हैरान ही कर दिया अपने व्यूज़ से, हमेशा कभी जी नहीं भरता, एक वेरी डिफरेंट लैंडस्केप है इसका। ये है शिगर, शिगर वैली का नज़ारा है यहाँ से, बड़ा ज़बरदस्त मुझे लेके आए हैं अली भाई, और हम लोग शिगर वैली में एंटर हो रहे हैं। शिगर पोलो ग्राउंड से राइट हो जाएं आप सरीना की तरफ, तो ये गलियां आएंगी, शिगर सरीना पहुंचने वाले हैं बस। यार ये मस्जिद देखें यार, ये 1000 ईयर्स से ज़्यादा ओल्ड मस्जिद लग रही है, तो ये तिब्बतियन तर्ज में बना है, कार्विंग में, क्या बात है जी, ये शिगर में ये मस्जिद। तो ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म, फिर इंशाल्लाह कोई शिगर फोर्ट के हवाले से एक वीडियो और बनाता हूँ, आपको दिखाता हूँ शिगर फोर्ट भी। तो कर दो तो आपने देख लिया, ऑन द वे जो जो कुछ हो गया वो भी देख लिया, तो नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।